गाइज़ वेलकम बैक टू अवर चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी स्मार्ट टीवी में प्रॉब्लम आ रही है कि रिमोट में शो नहीं हो रहा पेयरिंग का ऑप्शन, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगर आपके भी जो रिमोट है मतलब वहाँ पे अगर आप अपने डिवाइस की सेटिंग में जाते हो रिमोट एंड एसेसरीज का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन बताऊँगा आज की वीडियो में। तो कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐड डिवाइस करना है और कैसे करें वो आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। वहाँ पे सेटिंग ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको रिमोट का ऑप्शन होगा, फाइंड द रिमोट एंड एसेसरी सेक्शन, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसको जैसे सिलेक्ट करोगे एसेसरी वाले टैब आपको शो होगा आपके जब नेक्स्ट स्क्रीन पे, उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको जो एसेसरीज शो होना शुरू हो जाएंगी, सर्च होना शुरू हो जाएंगी और आपको अपनी जो एसेसरी है जैसे आपका रिमोट है उसको ऑन ही रखना है और वो कनेक्ट हो जाएंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एक और मेथड भी है। तो क्या करना है, तो पहले तो इनको पेयर कर लीजिएगा। अगर पेयर ना हो तो हमें क्या करना है, एक सेकंड मेथड भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्या करना है कि अपने डिवाइस का पेयरिंग मोड होता है उसको ऑन करना पड़ना है। उसको ऑन कैसे करें वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको पेयरिंग मोड आपका ऑन करना पड़ेगा। अपने डिवाइस की सेटिंग में जाना है और वहाँ से आपको पेयरिंग मोड का ऑप्शन देगा, उसको वहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। क्या करना, पावर बटन को आपको होल्ड करना है और वो आपका डिवाइस है वो पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी पेयरिंग शुरू हो जाएगी। पावर बटन को 3-4 सेकंड तक ऑन रखना है, प्रेस करना सॉरी। और एक अगर आपके डिवाइस में पेयरिंग नहीं हो रही है तो आप उस डिवाइस को क्या करना है, एक बार रीस्टार्ट कीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है और फिर से आपको अपना जो कनेक्ट करने की कोशिश करना है अपने स्मार्ट टीवी और रिमोट को, हमें आपको क्या करना है ऑफ़ करना है और 2 या 5 मिनट बाद रिस्टार्ट करके कोशिश करनी है और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो लास्ट एक ही वो है इसका सॉल्यूशन, कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डिवाइस की जो स्मार्ट टीवी है उसके सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर लीजिएगा और अपडेट करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और ये सारे मेथड ट्राई कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू गाइज़।